सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किस्मत आप साथ लेकर आते हो और कर्म आप साथ लेकर जाते हो, यही जिंदगी है। सिर्फ एक के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बचपन और बुढ़ापे एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। आज का पंचांग 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 7:50 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 11:22 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:06 से 10:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। आप सभी को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। कर्क राशि 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार। आज आप अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर लें और कोई बैकअप योजना तैयार रखें। आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं, लेकिन शांति बनाए रखें, यह समय जल्दी ही बीत जाएगा। परिवार के साथ समय बिताएं। संपर्क सूत्र अथवा मीडिया के माध्यम से कुछ नए विषयों पर जानकारी हासिल होगी। परिवार तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में उचित सामंजस्य रखने से कार्य तथा समय सम्पन्न हो जाएंगे। विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज की गतिविधियों में रुचि भी रहेगी। पैसों से संबंधित तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस तनाव को दूर करने का अवसर भी आपको जल्दी प्राप्त होगा। काम का विस्तार करना आपके लिए संभव हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, इसका पूरा फायदा उठाएं। किसी व्यक्ति को दी गई मदद के कारण खुद के लिए समस्या उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा। आपके काम से संबंधित नए लोगों के साथ बढ़ते परिचय से फायदा हो सकता है। पार्टनर मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के बावजूद भी कुछ बातों के कारण दूरियां महसूस कर सकती हैं। सेहत में बदलाव देखने के लिए खान पान पर ध्यान देना होगा। सावधानियां, सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। ज्यादा सोच विचार करने में समय ना लगाएं तथा अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। बैंक या निवेश संबंधित कोई काम ना होने से मन में झुंझुलाहट रहेगी, खर्चों की स्थिति बरकरार रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आपसे सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था मधुर बनी रहेगी। पैसों के साथ कोई फैमिली गेट टुगेदर भी संभव है। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए, लेकिन आप पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रुका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मोड़ की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपकी रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। बात करते हैं करियर की। आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रगति रुक सकती है। अगर आपने किसी भी रचनात्मक वस्तु का उत्पादन किया है तो उस पर जल्द से जल्द कानूनी अधिकार करवा लें। लोग ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये वस्तु उन्हीं की है, हालांकि वास्तविकता में वे शायद ही कोई भी उत्पाद की एक प्रकृति के निर्माण में आपके करीब आ सकती हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। काम ज्यादा होने से अथॉरिटी अपने कर्मचारियों को भी दे, इससे आपका कार्यभार हल्का रहेगा। नौकरी पेशा लोग पब्लिक डीलिंग में धैर्य रखें और विवादों में ना पड़े
और विवादों में ना पड़ी। बात करते हैं सेहत की। गैस और बदहजमी की वजह से पेट खराब रह सकता है, ध्यान रखें। और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधित सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। धीरे धीरे यह आपके भी जीवन का हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।